सहकारी बैंक के फर्जीवाड़े का हुआ खुलासा। 1400 फर्जी खातेदार को दिया गया 20 से 50,000 तक का लोन। जिलाधिकारी ने कहा जल्द होगी कार्रवाई। गोरखपुर न्यूज की विशेष कवरेज। आपसी रंजिश में झंगहा थाना क्षेत्र में पिता पुत्र की हुई हत्या। आक्रोशित लोगों ने फूंकी झंगहा एसओ की गाड़ी। क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ा 10,000 इनामी शातिर चोर। मोटरसाइकिल और कट्टा कारतूस हुआ बरामद। जिलाधिकारी ने एम्स निर्माण के कार्यदायी संस्था हाइट्स के अधिकारियों के साथ की बैठक। कार्यों में प्रगति लाने का दिया निर्देश। विभिन्न मांगों को लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के सदस्यों ने काली पट्टी बांध कर किया सांकेतिक विरोध। गेहूं खरीद को लेकर प्रशासन सख्त। डीएम ने कहा गेहूं खरीद में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त। दो केंद्र प्रभारियों पर हो चुकी है कार्रवाई। आरक्षण के विरोध में सवर्ण समाज ने निकाली रैली। एडीएम प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। सवर्ण उत्थान समिति ने काली पट्टी बांध कर किया आरक्षण का विरोध। डीएम के जनता दर्शन में उमड़े फरियादी। समस्याओं के समाधान के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। स्कॉलरशिप की मांग को लेकर एबीवीपी के छात्रों ने निकाली रैली सौंपा ज्ञापन। सांसद प्रवीण निषाद ने डीएम से की मुलाकात। संतोष साहनी के हत्यारोपियों की गिरफ्तारी की मांग और साथ ही मांगा 20 लाख रुपए का मुआवजा। और फिफ्थ एसाइड अंडर 16 जनपद स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता में एफसीआई बालकों ने महाराजगंज स्टेडियम को और स्पोर्ट्स कॉलेज की बालिकाओं ने क्षेत्रीय क्रीड़ांगण को हराकर किया प्रतियोगिता से बाहर।